Hello everyone, welcome to our YouTube channel guys. Today we are going to talk about hybridization. What is the definition of hybridization? What is the types of hybridization? And कितने examples हैं इसके, कौन कौन से molecules में क्या क्या hybridization मिलता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग आज discuss करने वाले हैं इस video में, ठीक है। तो definition क्या है hybridization का, इसमें होता यह है कि किसी भी एटम का different orbitals, जो जिसका energy levels लगभग same रहता है, वो क्या करते हैं, mixing हो करके उतने ही नंबर में सेम शेप में, सेम साइज में, सेम नंबर्स में ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं और सेम एनर्जी लेवल्स में रहते हैं, सेम नंबर्स में ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं मैं, जैसे कि CH4 है, इसमें एक्चुअली में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, इसका डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो कार्बन है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, इसको लिख सकते हैं 1s2, 2s2 और 2p2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द कार्बन, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे ही थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, लाइट या हीट वगैरह मिलता है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के इस वाले ऑर्बिटल में जंप कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा और इस वाले ऑर्बिटल में सब में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एक्साइटेड इस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मिक्सिंग का प्रोसेस होगा, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। मिक्सिंग और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब मिक्सिंग या हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये क्या होते हैं, एस ऑर्बिटल है, ये पीएक्स ऑर्बिटल है, ये पीवाई ऑर्बिटल है, ये पीजेड ऑर्बिटल है, ये सारे ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ऐसे होते हैं, ठीक है। एस ऑर्बिटल ऐसे रहता है, पीएक्स ऑर्बिटल ऐसे रहता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक है। पीएक्स ऑर्बिटल, पीवाई ऑर्बिटल ऐसे रहता है, ठीक है। दिस इज द पीवाई ऑर्बिटल, पीवाई, दिस इज द पीजेड ऑर्बिटल, पीजेड ऑर्बिटल, चारों ऑर्बिटल, फोर ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। चारों ऑर्बिटल क्या करते हैं, मिक्सिंग होगा, और मिक्सिंग होने के बाद इस सभी का शेप या साइज या आकृति या एनर्जी लेवल्स लगभग अलग है, ठीक है। शेप भी देखेंगे तो सारे का शेप अलग है, साइज भी अलग है, ठीक है। लेकिन मिक्सिंग होने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, ये क्या हो जाते हैं, सेम साइज, सेम नंबर और सेम शेप और सेम एनर्जी लेवल्स में ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये सारे क्या है, कार्बन का है, और इस सभी ऑर्बिटल्स का नाम अभी हो जाएगा sp3, सभी ऑर्बिटल का नाम हो गया sp3, क्योंकि इसमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का पार्टीशन है, पार्ट्स है इसमें, इसलिए सबका नाम हो जाएगा sp3, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या है, 1s ऑर्बिटल और 3px py और pz, 3p ऑर्बिटल्स और 1s ऑर्बिटल यहां पे पार्टिसिपेट लिया है, इसलिए sp3 बोलते हैं इसको एक्चुअली में, ठीक है। सबका नाम हो जाएगा sp3। अब ये सारे ऑर्बिटल्स कार्बन का है, क्योंकि कार्बन से उठाए थे, देखो स्टार्टिंग में, तो इसको हम लोग कार्बन के ऊपर पुट कर देंगे, ठीक है। कार्बन में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, और इसको अगर और दूसरे तरीके से शो करेंगे, तो इसको हम लोग यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको हम, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब इसको कार्बन के ऊपर शो करेंगे तो ये टेट्राहेड्रली अरेंज होकर के कार्बन में ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। चारों हाइड्रोजन आएंगे और सब हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो सभी एक एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन लेकर के आएगा, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे इंटरेक्शन करके, ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग बनाएगा, और इस सिग्मा बॉन्ड को फॉर्मेशन होगा, चार सिग्मा बॉन्ड का चारों हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन यहाँ पे आकर के ओवरलैपिंग करेंगे और चार सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। चार हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। या ज्योमेट्री को देखेंगे तो इसका ज्योमेट्री जो बना है यहाँ पे वो होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और इसका अगर क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें sp3 है, ठीक है। इसमें एंगल अगर देखेंगे, बॉन्ड एंगल देखेंगे, दो बॉन्ड के बीच में एंगल अगर देखेंगे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे प्लेस बना रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और ये स्ट्रक्चर बना है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है वो होता है 108 डिग्री और 28 सेकंड या मिनट, ठीक है। 108 डिग्री होता है और 28 मिनट होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे एंगल जो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 108 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ये हो गया। ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 है और एंगल 108 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। यहाँ पे CH4 का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे CH4 जो रहता है टेट्राहेड्रली अरेंज रहता है। ऐसा इसलिए अरेंज रहता है क्योंकि अगर उसको CH4 को हम ऐसे अगर बना देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दो बॉन्ड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसके वजह से एंगल कम होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसके वजह से वो टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाता है। और उसको अगर हम लोग यहाँ पे 3D में अगर देखेंगे तो जितने भी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सारे बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो 108 डिग्री एंगल ही होगा, ठीक है, 90 नहीं है। यहाँ पे आपको हालांकि कम दिखाई देगा, उसको 3D में देखेंगे तो 108 ही रहेगा। सारे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, एंगल है, बॉन्ड एंगल है, वो 108 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। ये है एग्जाम्पल sp3 का, एक्चुअली में sp3 का, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास बहुत टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल था एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन का। सबसे पहले होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ होता है sp3 डीहाइब्रिडाइजेशन, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3D और sp3D2 के सारे एग्जांपल्स मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, उसके बाद सबका एक डिटेल में देखे जाएंगे, ठीक है। इसमें जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो ऐसे कुछ टाइप के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, CH2। अभी sp3 में CH4 के बारे में बताया था, sp2 में BF3 लाइक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, sp3D में PCl5 लाइक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और इसमें SF6 लाइक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक है, S और P sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने वाला है। और यहाँ पे जो एग्जांपल है BCl2 का, और उसको अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनने वाला है, ठीक है, इसे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर जो बनेगा बोरान बीच में रहेगा और 3 फ्लोरिन है हमारे पास, तीनों फ्लोरिन 120 एंगल बनाते हुए अरेंज हो जाएंगे, तीनों फ्लोरिन यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 3 फ्लोरिन, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनता है उसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी बनाया था स्टार्टिंग में बनाया था, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है 180 का होता है, 120 डिग्री का होता है, 180 का होता है, यहाँ पे 120 का होता है, यहाँ पे होता है 108 डिग्री का और 28 सेकंड का, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड का बनाएंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा फास्फोरस बीच में रहेगा, तीन क्लोरीन ऐसे अरेंज हो जाएंगे और वो स्ट्रक्चर बनाएगा ट्राइगोनल प्लेनर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे ही जैसे ऐसे बना था, ठीक है। और ऊपर में एक क्लोरीन रहेगा और नीचे में एक क्लोरीन रहेगा और यहाँ पे क्लोरीन ही था, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। यहाँ पे सल्फर बीच में रहेगा और 6 क्लोरीन्स है यहाँ पे, सॉरी फ्लोरिन है, ठीक है, 6 फ्लोरिन, यहाँ पे 4 फ्लोरिन ऐसे अरेंज हो जाएंगे, 4 फ्लोरिन ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, 1 फ्लोरिन ऊपर में और सेकंड वाले नीचे में, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, ठीक है। यहां पे बॉन्ड के बीच में जो एंगल है यहां पे 90 का एंगल है और इधर दो क्लोरीन के बीच में जो एंगल है 120 का, मतलब इसमें दो टाइप के एंगल होते हैं, एक 90 का भी होता है और दूसरा 120 का भी एंगल होता है, ठीक है। इसमें भी 90 का एंगल है, इसमें सारे एंगल 90 का रहते हैं एक्चुअली, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट्स या कोई दो एटम या दो सराउंडेड एटम के बीच के बॉन्ड के बीच का एंगल अगर देखेंगे तो 90 होता है, ठीक है, समझ आ गया यहां तक, ठीक है। अब एक एक को डिटेल में देखते जाते हैं। सबसे पहले है sp हाइब्रिडाइजेशन, एक चीज मैं फिर से बता देता हूं, यहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने वाला है और लास्ट में यही स्ट्रक्चर बनने वाला है। इसमें 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे और लास्ट में स्ट्रक्चर बनेगा, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। इसमें 3p ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल, इसमें 3p ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल और 1d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करता है, इसमें स्ट्रक्चर लास्ट में बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर। इसमें 3p ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल और 2d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे इसमें और स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का एग्जांपल है SF6,